Hello guys, welcome back to our another vlog. This is EP Ishwar Prasad and you are watching EP का मीटर फिल्म्स. और आज हम दिल्ली में यहाँ पे मौजूद हैं और हाल ही फिलहाल में हम चंडीगढ़ से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं. यहाँ पे दिल्ली का मौसम किस तरीके का है, हम अभी अभी जो शिफ्ट हुए हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे आपसे कि हमारा जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है. जैसे कि हमने आखिरी ब्लॉग में कहा था, जो हमारा मॉनिटराइजेशन का ब्लॉग था लास्ट वाला, इसमें हमने बताया था कि हमारा यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है दोस्तों. हाल ही फिलहाल में हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे. हम मतलब हमें लगता था कि दिल्ली है कैसे क्या होगा, और बाकी हमको पता नहीं था कि किस तरीके से यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब. फिर भी हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे मैनेज करना है चीज़ों को, और यहाँ पे जो है आने के बाद हमारा जो है हौसला जो है कहीं टूटे ना, ऐसा हमें हमेशा डर लगता था. पर जैसे कि मेरे एक दोस्त ने कहा था कि दिल्ली जो है अपने दिल वालों की होती है, तो दिल वाले बन के ही काम करना होता है यहाँ पे. और दिल्ली शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे हमें जो है किस तरीके का हमारा एक्सपीरियंस रहा है, इस बारे में हम यहाँ पे इस ब्लॉग में बताने वाले हैं. सो वी हैव आवर फ्रेंड सुरेश विद अस. सुरेश, या हाय हाय गाइस. आज हमको मतलब भाई मिला हमको दिल्ली में, अच्छा लगा. यू डोंट नो दैट मच ऑफ हिंदी? इंग्लिश थोड़ा ओके. या ओके राइट देन. या फीलिंग गुड एट दिल्ली, बट सम लाइक पोल्यूशन इशू इज कॉमन हियर इन दिल्ली. Yeah, but it's pleasant. Yeah, okay. Yeah. Good experience, right? Yeah, good experience. You are coming first time. It's first time. Always we have discussion regarding everything about Hyderabad, Telangana, like so. So he's our best friend here in Delhi. Okay. Thank you, Suresh. Yeah, anything thank you. You want to say to our audience? Yeah, please subscribe EP ka meter. Yeah, bro's channel has been monetized. Please do subscribe and thank share you. And like comment. Thank you, bro. इवनिंग का टाइम है तो हल्का सा यहाँ पे लाइट जो है सनलाइट यहाँ पे डाउन हो गया है, और काफी मतलब एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस रहा है मेरा. वो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है दिल्ली के बारे में, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस कह सकते हैं यहाँ पे. हाँ, थोड़ा सा रश है यहाँ पे, आपको रश मिलेगी जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ पे आपको रश मिलेगी. भीड़ भाड़ वाला एरिया है काफी यहाँ पे, आप देख सकते हो ये जो एरिया है, ये शास्त्री नगर के आसपास वाला एरिया है दोस्तों. यहाँ से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी रास्ता आपको यहीं से मिलेगा. जो कोई एक मेट्रो सिटी से आता है उसके लिए दिल्ली कोई बड़ा शहर नहीं है. जो मेट्रो सिटी से आते हैं आप इजीली यहाँ पे दिल्ली में जो है सर्वाइव कर सकते हैं. हाँ, पोल्यूशन तो है, आप देख सकते हो उस साइड में कि ज़्यादा पोल्यूशन आपको मिलेगा. ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है, तो थोड़ा सा हल्का सा पोल्यूशन तो रहता ही है यहाँ पे. और हम यहाँ पे आए हैं, अभी देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा काम होगा. हाल ही में मैंने वैसे कहा था कि आखिरी ब्लॉग में कि हमारा जो है ट्रांसफर हो गया है दिल्ली चंडीगढ़ से यहाँ पे. तो चंडीगढ़ से हम यहाँ पे अभी हाल ही फिलहाल में शिफ्ट हुए हैं, और दिल्ली में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अभी खुद को यहाँ पे इस्टेब्लिश करें. साथ ही हमारा जॉब है, तो जॉब का भी हमें ख्याल रखना होता है, जॉब भी हमें करनी है. और उसी के साथ साथ हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स भी हैं जो साइड बाय साइड हम करते हैं कि हमारा जो है आने वाले प्रोजेक्ट्स में. और काफ़ी मतलब एक तरीके का एक नया सा अनुभव रहा हमारे लिए दिल्ली आना. अभी हाल ही में हमारा एक सॉन्ग आ रहा है, म्यूजिक सॉन्ग है जिसका नाम हमने अभी गो गो नाम से हमने उसको इस्टेब्लिश किया था. पर हाँ, हम धीरे धीरे यहाँ पे जान पहचान बढ़ाएंगे और हमारा जो काम है वो काम आगे बढ़ेगा, उस तरीके का हम काम करते रहेंगे. तो हम यहाँ पे अभी अभी आने के कारण यहाँ पे हमारी ज़्यादा जान पहचान कि हम किसी से बात कर सके. और फिलहाल के लिए तो दिल्ली का एक नया एक्सपीरियंस है हमारे लिए. आप देख सकते हो किस तरीके से दिल्ली यहाँ पे आपको देखें. तो गाइज, हमने हाल ही में अभी एक पोस्टर लॉन्च किया हुआ है सॉन्ग का. तो जो सॉन्ग है वो भी हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर. हाल ही फिलहाल में हमने उसकी अनाउंसमेंट कर दी है, और देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरीके का हमारा वो सॉन्ग रहेगा. असल में सब सारे के सारे एक्सपीरियंस हमारे लिए नए नए. जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा कि सेट होने में हमें, कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि दिल्ली एक्सप्लोर करने के लिए हमें, और देखने के लिए नए नए लोग हैं सभी. तो यहाँ पे अभी अभी हमारे यहाँ पे हमारे पीजी के मेट हैं यहाँ पे लोकेश भाई. लोकेश भाई आ जाओ ना, दो मिनट इधर, लाइट नहीं आता उधर. तो लोकेश भाई जो है हमारे यहाँ पे पीजी के मित्र हैं, और सबसे पहले ये हमको ही मिले थे यहाँ पे पीजी में. हमने एक पहले वाले ब्लॉग में, हमने मॉनिटराइज वाले ब्लॉग में हमने बात की थी
बढ़िया है यहाँ पे लोकेश भाई का एक्सपीरियंस रहा था क्या लोकेश भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लोकेश भाई ने हमें बधाई दी थी मॉडरेशन ब्लॉक के लिए। हाल ही फिलहाल में तभी हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और हाल ही में हमने लोकेश भाई से हमने जान पहचान बढ़ा ली और आज हमारे सबसे करीबी मित्र हैं यहाँ के पीजी के। क्या लोकेश भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सुबह शाम हमारी मुलाकात होती रहती है, एक होता है ना कि फैमिली वाला फीलिंग यहाँ पे आता है जैसे उन्होंने कहा था। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा दिल्ली के बारे में, आप कैसे मतलब इसको आप लेते हैं? पढ़ाई के लिए आया था यहाँ पे, मेरा तो फर्स्ट टाइम है। अच्छा। पढ़ने के लिए यहाँ पे 2 साल रहना है, पढ़ना है, बाकी तो अभी नहीं आया, मैं अभी नया नया ही हूँ, तो अभी थोड़े टाइम मिलेगा तो घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे आसपास दिल्ली कैसी है तब पता चलेगा। दिल्ली अभी देखी नहीं आप? नहीं नहीं अभी मैंने नहीं देखी ज्यादा। अच्छा बहुत है। तो ये बात है, कैसा एक्सपीरियंस हो रहा दिल्ली में, आपको कैसा लग रहा है? फीलिंग कैसा? बढ़िया है, यहाँ पे अच्छी है, पीजी अच्छी है, लोग अच्छे हैं, आप मिले, आप बड़े भाई जैसे हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा अभी तक तो सही चल रहा है। अच्छा सो फार सो गुड। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारा भी कुछ इसी तरीके का एक्सपीरियंस रहा है और देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। क्या लोग? हाँ बिल्कुल। तो थैंक यू लोकेश भाई आपका, है ना? थैंक यू। सो गाइज यहाँ पे हम अभी रुकते हैं और जैसे कि हमने कहा कि आने वाले काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। हाल ही फिलहाल में हम दिल्ली शिफ्ट हुए हैं और ज़्यादा कुछ जान पहचान नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में कुछ काम किया जाए अच्छे से। आप जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हो सकता है कि आपके आशीर्वाद से हम तरक्की कर ले। हैव अ गुड डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट संडे। सो बाय दोस्तों, और जाते जाते कहूँगा कि देखते रहिए ईपी का मीटर फिल्म्स। जय हिंद जय भारत।